प्योर कॉटन सूट है, बहुत प्यारा है, डिजाइन बहुत प्यारा है इसका। Pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good. तो ये और ये दोनों पटियाला, ये सारे मतलब ऑर्डर किए हैं और काफी दिन से आके रखे हुए भी हैं। फिर मैंने सोचा कि एक दिन इत्मीनान से आप सबको ये दिखाऊंगी कि कहां कहां से किस प्राइस में और ये सूट मंगाए हैं गर्मी के हिसाब से, तो कौन सी साइट से मंगाए हैं, क्या प्राइस है, सारा सब कुछ शेयर करूंगी। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो है शॉपिंग हॉल व्लॉग, और ये वीडियो बिल्कुल भी कोलैबोरेशन वीडियो नहीं है, किसी भी ब्रांड के साथ टाई अप नहीं है। ये मैंने खुद के पर्सनल यूज के लिए ऑनलाइन से ऑर्डर करके मंगवाए हैं और बहुत अच्छी क्वालिटी में आए हैं, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो नंबर वन सूट जो है वो ये येलो वाला है, येलो एंड ग्रे, और ये प्योर कॉटन है। मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, सारे सूट्स दिखाने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैंने कहाँ से मंगवाए हैं और क्या इनका प्राइस है, तो सब कुछ आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा और मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी, अगर आपको परचेज करना हो तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करती हूँ। नंबर वन ये है, फ्रॉक स्टाइल है और हाई नेक है, येलो एंड ग्रे का कॉम्बिनेशन है, और इसकी आप फुल स्लीव ही समझ लीजिए, ये थ्री क्वार्टर स्लीव नहीं है, यहां तक तो आएगी ही। काफी प्यारा सूट है और कुर्ते के नीचे एकदम नीचे ये घोटा पट्टी का वर्क है, सिल्वर, और जो नेक है, नेक कुछ ऐसा है, तो नेक पर यहां पर भी घोटा पट्टी का वर्क है और जो समोसा लेस होती है वही लगी हुई है, एकदम स्मॉल वाली। तो ये कुर्ता है और ये है इसका पैंट, तो पैंट के जो नीचे यहां पर कोटा पट्टी वर्क है, सो दोनों ही तरफ इलास्टिक है, और क्योंकि गर्मी के हिसाब से मैंने मंगाया है, समर कलेक्शन है, तो मैंने सब अपने साइज से बड़े मंगवाए हैं ताकि थोड़ा कंफर्टेबल रहे बिल्कुल। सो ये कुर्ता है और ये इसका पैंट, और इसका दुपट्टा भी प्योर कॉटन है बिल्कुल, और साइड में बॉर्डर में इसमें गोटा पट्टी लेस लगी हुई है, वही समोसा लेस। ये है इसका फुल लुक। सो एक ये है, सेकेंड नंबर है ये भी प्योर कॉटन है, तो व्हाइट एंड ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छी क्वालिटी आई है ये, और इसका नेक मुझे बहुत अच्छा लगा, वी नेक मुझे पसंद भी है, ये देखिए, और पीछे से राउंड ही है और थ्री क्वार्टर स्लीव है इसकी, और ये जो हाथ में स्लीव में इसमें सेम पट्टी लगी हुई है जैसा कि सूट में वर्क है। तो ये हो गया कुर्ता, ये है इसका पैंट, एक पॉकेट है इसमें, ये पैंट है इसका, और दोनों तरफ ही इलास्टिक है, और इसका ये दुपट्टा प्योर कॉटन दुपट्टा, मैं फैब्रिक छू के फील कर पा रही हूं, बहुत अच्छा है, और दुपट्टे के बॉर्डर में ये लेस लगी हुई है, लेस यानी कि लटकन। ये है इसका फुल लुक, क्वालिटी बहुत अच्छी है सूट की। और ये है पटियाला, एक समय था
जब मुझे पटियाला पहनना बहुत पसंद था, पसंद आज भी है। सारा फैब्रिक लेके मैं स्टिच करवा के सूट पहनती थी, मुझे बहुत पसंद था। तो ये और ये दोनों पटियाला हैं और स्टिच्ड है, मतलब फैब्रिक नहीं है, स्टिच्ड है। तो पहले तो मैं आपको दिखाऊं, ये कुर्ता है, डार्क ब्राउन और क्रीम कलर का कॉम्बिनेशन है इसमें, और नेक राउंड है, थ्री क्वार्टर स्लीव है, और स्लीव में भी जैसे कि कुर्ते में नीचे पूरी ये पट्टी दी गई है वैसा ही सेम इसमें दिया गया है। हाथ में बिल्कुल प्योर कॉटन है, और पटियाला में जो कुर्ते होते हैं वो थोड़े शॉर्ट होते हैं, तभी जो पटियाला जो हम पहनते हैं उसकी जो प्लीट्स होती है वो सारी अच्छे से दिखाई देती है, चुन्नट जितनी होती है। तो ये देखिए, और बांधने के लिए डोरी भी दी हुई है वहीं से, ये देखिए। दुपट्टा की लेंथ अच्छी है इन दोनों सूट की भी और इसकी भी। ये है इसका फुल लुक। कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एक ये है स्काई ब्लू एंड व्हाइट, इसका नेक थोड़ा सा डिफरेंट है बट अच्छा लग रहा है, ये देखिए ऐसा नेक है इसका, और यहां पे व्हाइट दो बटन्स है, ये देखिए। और इसकी भी जो स्लीव है वो थ्री क्वार्टर है, और सेम ऐसा ही नीचे ये व्हाइट दिया हुआ है पट्टी, वैसी ही सेम स्लीव में है। कपड़ा बहुत अच्छा है, बहुत फाइन कपड़ा है, गर्मी में पहनो तो आराम रहेगा। ये देखिए सेमी पटियाला बोल सकते हैं, पटियाला चौड़े और बड़े ही होते हैं तभी पहनने के बाद में प्लीट्स अच्छी आती हैं। और ये इसका प्योर कॉटन का दुपट्टा, ये है इसका फुल लुक। और एक ये मुझे इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया है, कंफर्टेबल तो है ही, ये प्योर कॉटन नहीं है, ये आई थिंक कॉटन ब्लेंड है, जो भी है आपको स्क्रीन पर फ्लैश हो जाएगा। ये है, ये देखिए इसका नेक बहुत अच्छा है, पूरा गोल्डन कलर का, और इसकी भी थ्री क्वार्टर स्लीव है, और पूरा जैसे रनिंग में है, एक जैसा है, मगर प्रिंट बड़ा अच्छा है। ये है इसका प्लाजो, और इसमें पॉकेट भी है, सिंगल है पॉकेट। ये है इसका फुल लुक। और एक ये है नेवी ब्लू और क्रीम कलर का इसका कॉम्बिनेशन दिया है, ये देखिए ये भी कॉटन है। तो इसका नेक कुछ ऐसा है, और यहां ये दो बटन्स, तीन बटन्स हैं, थोड़ी सी डिजाइनर टाइप के हैं, शाइन कर रहे हैं, और थ्री क्वार्टर स्लीव है इसमें, स्लीव में बस ये पट्टी है, बाकी कुर्ते में नीचे पट्टी नहीं है, नॉर्मल है एकदम। ये है इसका पैंट, और इसमें भी पॉकेट है दोनों तरफ, और यहां ये डोरी दी हुई है, इससे आप एडजस्ट कर सकते हैं, पीछे का इलास्टिक है और आगे ये जो पट्टी देते हैं वो है। दुपट्टे में नीचे ऐसी लटकन, ये है इसका फुल लुक। और एक सूट तो यही है जो मैं अभी पहन के बैठी हुई हूं, पिस्ता कलर है और उसके साथ में व्हाइट का कॉम्बिनेशन है, प्योर कॉटन सूट है, बहुत प्यारा है, डिजाइन बहुत प्यारा है इसका, और इसकी स्लीव जो है
उसमें हल्की सी नीचे से जैसे समोसा जो लेस होती है वो है, और इसका जो दुपट्टा है उसमें भी चारों तरफ जो समोसा लेस होती है उसका बॉर्डर दिया हुआ है। तो ये सूट कुछ ऐसा है और मुझे बहुत अच्छा लगा है, तो एक सूट तो मैं ये पहन के ही बैठी हुई हूँ। तो आप इसको इस टाइप की इयररिंग के साथ में भी पेयर अप कर सकते हैं। जितने भी मैंने आपको सूट दिखाए हैं उन सब में आप अपने हिसाब से हल्का सा टचअप करके आप कहीं मतलब आना जाना भी कर सकते हैं, शॉपिंग जा सकते हैं, गेट टुगेदर में जा सकते हैं। सब अच्छे सूट हैं और डेली यूज के लिए, डेली बेसिस के लिए तो बेस्ट है। क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। तो एक सूट ये वाला है और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये मैंने मंगाया है जो कि मुझे बहुत पसंद है वन पीस पहनना। फ्लोर लेंथ है और काफी अच्छा है, कंफर्टेबल है, हाई नेक है। तो हाई नेक अगर आप पहनते भी हैं तो अपने साइज से एक साइज ऊपर ही आप मंगाइए तो कंफर्टेबल बहुत रहता है, उठने बैठने में काम करने में काफी अच्छा है। और थ्री क्वार्टर की स्लीव है इसकी, पीछे से भी पूरा एकदम प्लेन है और नेक पर इसमें बटन्स दिए हुए हैं गोल्डन कलर के, तीन बटन्स। तो ये ऐसी है। सो आई होप कि आज की शॉपिंग आपको अच्छी लगी होगी और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मैंने मंगवाए हैं। वैसे भी जो डेली बेसिस के कपड़े हैं ना तो एक के बाद एक पहनना होता ही है, तो थोड़े खराब भी हो गए थे और कलर काफी डल हो गए हैं सबके, यानी कि फेड हो गए हैं एकदम। सो ये मैंने कुछ शॉपिंग की है, बीच में मैं आपको शो कर रही थी कि पार्सल पे पार्सल आ रहे हैं तो आके ये रखे हुए हैं, 10 से 12 दिन हो गए हैं। तो मैंने सोचा एक दिन टाइम निकाल के इत्मीनान से बैठ के आपको मैं दिखाऊंगी और अब कल से इनको पहनना स्टार्ट भी करूंगी मैं। कुछ तो मैं बड़े बाजार से जो शॉपिंग करके लाई थी सो वो अभी मैं फिलहाल पहन रही हूँ और पहले के सूट मेरे काफी खराब हो गए हैं। तो ये शॉपिंग मुझे तो बहुत अफोर्डेबल लगी और अच्छी भी लगी और क्वालिटी काफी अच्छी आई है। सो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आपकी कन्वीनियंस के लिए मैंने सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर। Bye-bye.